చేతు బలి ఉత్తర చదువుతున్నాం చేతు బంద Today's topic is about the Burma infestation. Okay, I am Dr. Khadim Rinan here, lecturer in community medicine. I welcome you because this is the first class after the Eid, and in the meanwhile, I must say the Eid Mubarak to you, all of you. Okay. बेटा ये जो वर्म इन्फेस्टेशन है ये डिफरेंट वर्म्स होते हैं इंसान को मुतासर करते हैं वेरी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेडिसिन एस्पेक्ट ये टॉपिक है दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सो You know that soil transmitted helminths. So, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको helminths, okay? तो ये तीन होते हैं. One is the roundworm, hookworm, and the whipworm. Infection refer to a group of parasitic disease in human caused by the intestinal roundworms, hookworms, and the whipworms. ये इनके जो हैं common names हैं. ये इनके जो हैं generic या medical term में अंतर अच्छा दिस राउंड वर्म जो है ये एस्केरियासिस करते हैं डिजीज ठीक है और अदर अदर जो हुक वर्म्स हैं ये दो टाइप के होते हैं नेक्टर अमेरिकन्स एंड एंकाइलोस्टोमा ड्यूओडेनम ओके एंड द थर्ड वन इज द व्हिप वर्म ट्राइचुरियस ट्राइचुरिया ओके सो दीज आर द इंटेस्टाइनल मतलब दे मेनी दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड दे कॉज सर्टेन डिजीजेस सो सबको जो हम कॉमन एक डिजीज है उसका हम कहते हैं वर्म इन्फेस्टेशन ओके सो इन्फेस्टेशन मतलब जो दे जर्म्स आर जो भी हार्मफुल एजेंट लिव अपॉन द ह्यूमन बॉडी ओके They are the most common infections worldwide. ठीक है, कौन सा ये है सबसे common वो worm infestation is the most common infection worldwide. More than 1.5 billion pupils are about 25% of the world's population are infected. उसमें मतलब 24 माना वन अबाउट वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मुतासर होती है इससे वर्म इन्फेस्टेशन से अच्छा जरूरी नहीं है कि उनको पता चले या सिम्टम्स डेवलप हों दे लिव ओनली लिव एंड दे गो अवे ठीक है वो डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सो इन्फेक्शन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अच्छा ये ट्रॉपिकल जो होते हैं ये गर्म जो कहते हैं जो ट्रॉपिकल लाइन के अराउंड रहते हैं ऑन ऑन रहते हैं या उनके करीब रहते हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं तो वहाँ भी ये बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ये गर्म भी होते हैं मॉइस्ट भी होते हैं एरियाज ठीक है उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर है ईस्ट एशिया जैसे हम साउथ ईस्ट एशिया में तो वहाँ पे ये जो है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉमन है तो कौन स्किन में लोगों में कॉमन है ये प्री स्कूल चिल्ड्रेन जो है एक तो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन मना 1 to 5 ईयर्स आप समझ लें आप उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है उनमें ये बहुत कॉमन सो दे लिव ऑन द एक्सपेंस ऑफ द जो है ये पैरासाइट जो ऐसा इन्फेक्शन है जिससे पैरासाइट ऐसा इन्फेक्शन है जो लिव अपॉन द एक्सपेंस ऑफ द ह्यूमन मतलब जो स्कूल गोइंग के बच्चे हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फिर उनमें वर्म्स होते हैं दीज वर्म्स लिव ऑन द न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन सारी ये ले लेते हैं और ये बच्चों में सिम्टम्स ऑफ द मेल न्यूट्रिशन डेवलप करते हैं ठीक है सो ये एक डेवलपमेंट एज होती है स्कूल गोइंग प्री स्कूल गोइंग एज होती है डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट एज ऑफ ग्रोथ मतलब होती है ठीक है कैसे ट्रांसमिट होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है सोइल ये एक्चुअली हम कहते हैं सोइल ट्रांसमिटेड हेलमेट्स ये जमीन या जो पट्टी होती है उसके अंदर इसके एग्स रहते हैं ठीक है अब ये जो एग्स होते हैं कहाँ से आते हैं ये ज्यादातर मतलब एग्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है स्टूल है
they mix with the soil, जो soil से mix हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर कोई जो बच्चे हैं especially they are very active और जब वो play करते हैं game अगर खेलते हैं मिट्टी लगती है उनको हाथों में तो they will live upon the they go into this intestine movement and where they develop into the जो है develop into the जो है adult worms and जो adult worms दोबारा eggs lay करते हैं and they go in a break again into the soil ठीक है जहाँ पे सफाई सुथराई का नहीं होता बंदोबस्त सही नहीं होती हाइजीन कंडीशन सही नहीं होते वहाँ भी ये बहुत कॉमन है जैसे गरीब जो लोग जो मुल्क गरीब हैं दे कंट्री आर नॉट वेल डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो जाते हैं दे आर मोर कॉमन देयर ठीक है दे अक्सर जो देखा गया है जो एग्स होते हैं दे आर जो ज्यादातर जो ट्रांसमिट होते हैं वो अनकुक्ड फूड के थ्रू होते हैं या नॉट प्रॉपरली वॉश्ड या जो वेजिटेबल या सलाद स्पेशली वो तो वॉश होता नहीं अगर वेजिटेबल को सही तरीके से कुक नहीं किया गया है हीट अप नहीं किया गया है तो भी उससे बहुत ज्यादा ये फैलते हैं नॉट केयरफुली कुक ठीक है या उनको वॉश सही नहीं किया या उनकी खाल सही नहीं उतारी गई तो फिर तो उसमें बहुत ज्यादा ये कॉमन है ठीक है बॉम्स तो लकली इन आवर रीजन भी ज्यादातर हम कुक खाते हैं हम कच्ची सब्जियां वगैरह ही कम खाते हैं हाँ लेकिन सलाद और ये जो काफी ऐसी होते हैं हम जो राम देते हैं सब क्या उनके थ्रू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि दे उनको ज्यादा अच्छे तरीके से वॉश करना ठीक है अब जो एक एक से हैं आर इंजेस्टेड फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस ओके जो एक्स जो होते हैं फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर सोर्स ज्यादातर हमारा पानी जो है आपको पता है द सोर्स ऑफ वाटर जो है वो तो स्केयर्ड है अगर के तो जो हमारा वाटर सप्लाई हमारा म्युनिसिपैलिटी से या म्युनिसिपल से आता है दे आर यूजुअली मिक्स्ड विद द जो है सीवरेज वाटर ठीक है सीवरेज वाटर से मिक्स होता है जिसकी वजह से ये जो ज्यादा इन्फेक्शन हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीज में ये भी शामिल है सो एग्स आर इंजेस्टेड बाय चिल्ड्रन हु प्ले इन द सॉइल and they put their hands in their mouth without washing them तो यहाँ पे hand washing again बहुत ज़्यादा हो गए ठीक है ना तो eggs are ingested by children children ज़्यादातर खेलते हैं but that's why before eating the food कोई चीज़ खाने से पहले बच्चों को hand washing की जो जरूर practice करवानी चाहिए so लेकिन hookworm जो eggs हैं hookworm के हैं in the soil वो करते हैं वहाँ पे ये रिलीजिंग वारवा लार्वा करते हैं दैट मैच्योर इनटू इन ए फॉर्म दैट कैन एक्टिवेट कंपेनिवेट अच्छा जरूरी नहीं है कि खाने की वजह से अब जो ये मिट्टी है सॉइल है या किसी चीज में अगर ये लगे हुए हैं एक स्पेशली हुकवर्म्स के दे गो फ्रॉम द स्किन इनटू द ह्यूमन बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीपल यूजुअली डोंट नो के जो हमारे वर्म्स के जो लार्वा हैं दे कैन पेनिट्रेट द स्किन ठीक है पीपल बिकम पीपल में बच्चे ज्यादा पीपल समझे बड़े भी हो गए लेकिन बच्चों में ज्यादा बिकम इन्फेक्टेड विद वर्म प्राइमरी बाय वॉकिंग बेयर फुट ऑन द कंटामिनेटेड सॉइल हम नंगे पांव जो लोग चलते हैं स्पेशली बच्चे में नंगे पांव होते हैं तो उनके जो स्किन होती है जो क्रैक्ड स्किन होती है या ऐसे इंटेक्ट स्किन से ये लार्वा कैन इनटू द बॉडी तो बट यू डोंट ऑलवेज थिंक कि जब खाने की इंजेक्शन की वजह से नहीं दे कैन गो फ्रॉम द स्किन अच्छा ये जो बच्चों में स्किन के थ्रू जाते हैं दे इवन कॉज द लोकल इरिटेशन बच्चों में ये जो काफी बच्चों में जो लोकल इरिटेशन जहाँ से वो इंसर्ट होता है वहाँ पे ये लोकल खारिश वगैरह भी करते हैं जिसकी वजह से लोगों स्किन एलर्जीज का बने ओके जस्ट नो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन मतलब कि कोई हम कोई डायरेक्ट नहीं है इवन जो ये जो फीसेस होते हैं जो डायरेक्ट उससे भी नहीं है जैसे आप एक वॉशरूम में वहां से नहीं होगा क्योंकि वहां पे ये प्रैक्टिस ऑफ मतलब जो होती है कि वहां से स्टूल वहां पे नहीं एक्चुअली व्हेन मिक्स विद द सॉइल
भट्टी में वहाँ भी करेंगे जो है कुछ है जो टाइम लेते हैं दे मैच्योर बिफोर इंफेक्टेड ठीक है सिंस दीज वर्म्स डू नॉट मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन होस्ट री इंफेक्शन अकर ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इंफेक्टेड स्टेज इन द एनवायरनमेंट ठीक है सो अभी बड़ा पर एस्केरियासिस ठीक है ये क्या है इसका इज ए कंडीशन है ये डिजीज है एन इंफेक्टिंग इंफेक्ट इंफेक्शन है ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉज्ड बाय द एडल्ट एस्केरिस लैम्ब्रिकाइट्स ठीक है एस्केरिस लैम्ब्रिकाइट्स जो एक वर्म वर्म्स है एंड क्लिनिकली मेस्टेड बाय द वॉक सिम्टम ऑफ द नाजिया होता है एब्डोमिनल पेन होता है ठीक है क्या क्या होता है नाजिया एब्डोमिनल पेन एंड कफ Live worms are live worms are fast in the stool and are the vomited. Occasionally, they may produce intestinal obstruction and may migrate into the peripheral. अच्छा ये आप बताओ ये worms बड़े होते हैं ये ज़्यादातर stool में pass नहीं होते ये intestine के अंदर ही रहते हैं लेकिन ये हम कैसे पहचानते हैं ये इसके ये वाले symptom नहीं होते nausea vomiting pain ज़्यादा ये बड़ों में होते हैं abdominal pain या फिर ये cough The cough की मतलब they go into the lungs as well, okay? Abdominal तो pain तो करता है, intestine में होगा तो करेगा, ठीक है? लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये they cause the weakness, जैसे कहेंगे कि anemia, iron deficiency, deficiency anemia, और एक जो होता है craving for the food, मतलब ज्यादा खाते हैं बच्चे लेकिन लगता नहीं, okay? So geographical distribution and weakness. So, Escherichia is cosmopolitan in distribution. It is the most common helminth infection. It is estimated that about 1 billion. So, million people are infected worldwide annually, with about 12 million acute cases and 20,000 or more deaths. Heavy infection is common in children aged 3 to 8 years. ठीक है तो ये देखें आपके ये काफी मोडेस हैवी इन्फेक्शन कॉमन इन चिल्ड्रन एज तो काफी डेंजरस कंडीशन भी है सो एपिडर्मल फीचर्स में एजेंट क्या है इस एजेंट ये है इसके लिम्फोसाइट लिव इन द ल्यूमन ऑफ द सीमेन इंटरनल कैरिज मूव्स फ्रीली ओके ये दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल This is the Escherichia is a lumbricoides. Okay, this is the female. So, this female jo hai kafi dekh rahe healthy hai, and this is actually jo hai because it has to lay the eggs. Okay, where it moves freely. Sexes are separate. The female means dekha iski lambai kitni 20 centimeter, quite lengthy. Okay. And the male कितना होता है? 12 से 30 सेंटीमीटर। So egg production is very heavy, बहुत ज़्यादा होती है। And estimated to 2,40,000 eggs per day by each female, ठीक है? The eggs are excreted in the feces, जो ये जिसके बच्चे में या बड़े में ये worms होते हैं, they are excreted, okay, into the feces. And कितने होते हैं? 2,040 eggs. Per day, quite large amount of eggs are passed into the stools. Okay, the eggs are excreted in the feces. They become embryonated in the external environment and become infected in 2 to 3 weeks. So, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए इन्फेक्टेड होने में. तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब सोइल में या इसमें कहीं सुटेबल एनवायरनमेंट में ये रहते हैं 2 से 3 हफ्ते तक. Then they will be infected. Was on ingestion by human the embryonate eggs hatch in the somatic system. So life cycle kaisa hota hai life cycle aap ye dekhe isko pura aap page ke detail se bhi dekh sakte hain ke number 1 infective eggs are swallowed theek hai eggs reach the small intestine and hatch theek hai khane se khane ke baad small theek hai na uske baad larva wahan pe hote hain they migrate into the hepatic portal through the intestinal wall ठीक है ये लिवर में चले जाते हैं लार्वा इंटर द लंग्स में लिवर से दे थ्रू द द द इंट्रा कैसे जाएंगे इंट्रा हेपेटिक वेन्स होती है वहां से लिवर में वो वहां से इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे इंफीरियर वेना केवा से राइट राइट एट्रियम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक दे गो टू द
लंग्स लार्वा एंटर कर लंग्स ठीक है एंड एलिवेयर स्पेस काज कफ अब कफ निकलते हैं एक बच्चे को खांसी है वीकनेस है एलर्जी है तो भी हम कहते हैं कि इसको ये जो है वर्म्स हो सकते हैं अब ये जो वर्म्स हैं जो आगे थे अब बताए कफ होती है कफ के साथ जो स्पूटम आता है जो सारा हम बाहर बच्चे नहीं देख सकते या बड़े तो दे आर अगेन स्वालोड तो दोबारा से ये लार्वा बन के पहले ये एग्स में चले गए इंटेस्टाइन में थ्रू द एग्स अब ये जो है थ्रू द एग्स दे नाउ दे गो बिकम लार्वा लंग्स में जब गए तो ये एग्स लार्वा में तब्दील हो के फिर दोबारा इंटेस्टाइन में ये एक लाइफ साइकिल आता है And larva reaches again reaches the small intestine for a second time. So, अब ये mature हो गए, अब ये वहाँ पे बड़े हो गए, और they are then they go into adult forms and वहाँ पे lay eggs. अब क्या है ये agent इसके the resulting larva penetrate the gut wall and are carried into the liver and the liver ये जो मैंने slide है ये ही इसमें कहा हुआ है ठीक है अभी एपिडेमिक फीचर क्या है रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन क्या है मेन इज द ओनली सर्वाइवर ठीक है और इंफेक्टिव मटेरियल क्या है फीसिस कंटेन इन द फर्टिलाइज्ड एग ये इंफेक्टिव मटेरियल है ठीक है तो होस्ट कौन हो सकते हैं होस्ट में ह्यूमन तो है लेकिन कौन से चिल्ड्रन और ठीक है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिमिनेटर ये डिसिमिनेट भी करते हैं एडल्ट में कुछ रेजिस्टेंट होता है इतना कुछ देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ होस्ट पैरासाइट टॉलरेंस एडल्ट्स में मतलब ये क्या है होस्ट पैरासाइट टॉलरेंस मतलब जो वर्म्स हैं वो अंदर चले तो जाते हैं लेकिन कोई डिजीज या कोई जो है सिम्टम्स नहीं करते इनके आपस में दोस्ती हो जाती है तो राउंड वर्म्स रॉब मेन ऑफ हिज फूड एंड मे पॉसिबली कंपीट फॉर Vitamin A intestine in the intestine. They contribute to the malnutrition, especially in children whom they show growth retardation. ठीक है? तो ये बच्चों में तो ओके ही करते हैं, लेकिन adults में post parasite tolerance develop हो जाती है. अब environment कौन सी environment में ये पनपते हैं? Scarce is the soil transmitted helminth. Okay, the eggs remain viable in the soil for months or years. अंडर फेवरेबल कंडीशन देख लिया तो ये कितना इनका जो टाइम पीरियड है मंथ्स और इयर्स तक रह सकते हैं एक मिट्टी के अंदर जिंदा ऑफ द वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ एस्केरिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द होल्ड आई एम ओके Of the various ecological factors regulated the population of Escherichia coli and the most important one is the temperature. Temperature का बड़ा रोल है, moisture का बड़ा रोल है, oxygen pressure का कितना रोल है, and ultraviolet radiation from the sunlight. ठीक है, जब ये चीजें इसको अपने हिसाब से मिल रही हैं, तो ये वहाँ पर रहेंगे. अगर यहाँ पे सूखे तो नहीं मिल रही, तो ये एक से ज्यादा वर्ष तक जिंदा वहाँ नहीं रहेंगे. A low temperature inhibits the development of the eggs. मतलब इसको low temperature की वजह से ये eggs develop नहीं होते. That's why it is ये गर्म मुल्कों में ज़्यादा common होता है, like tropical and subtropical countries. Clay soils are the most favorable for the development of Escherichia coli eggs. जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें बड़ा ये जबरदस्त तरीके से hatch करते हैं. In contrast, the moist, porous soils जो ज़्यादा गीली मिट्टी में ये इतना नहीं कर सकते बना नहीं सकते ओके सो और कौन से ह्यूमन हैबिट्स का प्रॉब्लम है जैसे जो ये तो मिट्टी में तो होते हैं लोग जो मिट्टी से ज्यादा जिनका इंटरेक्शन होता है जो नंगे पांव चलते हैं और जो इसमें हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस नहीं होती और जो जमीन पे मतलब खेतों में ओपन एयर डेफिशिएंसी ओपन एयर डेफिकेशन मतलब जो ये वॉशरूम जो करते हैं खुले इलाकों में मतलब वहाँ पे कोई रेगुलर वॉशरूम नहीं ना करते उन्हें ज्यादा ये ह्यूमन हैबिट्स इसमें क्या होते हैं सो दैट यूजुअली चिल्ड्रंस जो हैं जो खुले
एक्टिव करते हैं उनमें ज्यादा जब तक ये मतलब एक बंदे को अगर एक बच्चे को वर्म्स हैं तो तब तक ये ट्रांसमिट करता रहेगा वो जब तक वो उसके रहेंगे वो ट्रांसमिट करता रहेगा या तो उसका इलाज करके इसको खत्म किया जाता है या वो खुद से खत्म हो जाए ठीक है जब स्टूल में से वो निगेटिव हो जाए इंक्यूबेशन पीरियड इसका 18 डेज सेवरल वीक्स है कोई मतलब 18 डेज मतलब अगर वो जब एग्स गले जाते हैं और जब सिम्टम्स डेवलप होने तक ये बहुत ज्यादा टाइम कभी ज्यादा टाइम ले लेते हैं मुझे आपको पता है दे इंटेस्टाइन से इनको लंग लिवर में जाना है अदा है भैया सलीम ओके आई एम सॉरी जो है इन्फेक्शन यूजुअली हैव नो सिम्टम्स ओके अच्छा ये इंटेस्टाइन में जाते हैं इंटेस्टाइन से दे गो इनटू द लिवर फ्रॉम लिवर they have go into the lungs and lungs se dobara ye so the coughing and swallowing jo poop nikalne ki surat mein again they go into the intestine so they this is a big cycle so kafi lamba cycle hai to usme wo fir they take the time acha symptoms what is our symptoms but badon mein alag hai bachon mein alag hai theek hai बड़ों में जो है बिकॉज द माइनर सिम्टम्स लाइक वीकनेस हो गई या कोई उनका एब्डोमिनल पेन हल्का फुल्का हो गया या जो है एनीमिया थोड़ी बहुत हुई लेकिन बच्चों में ये एक टिपिकल क्या होता है कि बच्चों में ये कि तो उसका बच्चे ग्रेटर नीड ऑफ फूड ज्यादा खाते हैं लेकिन लगता नहीं है तो दे आर बिकम वीक वीक इस हिसाब से कि वो मतलब एक उनका फेस ही बताएगा कि पेल फेस टू टू डू एनीमिया ठीक है एंड दे आर नॉट सो मच एक्टिव बच्चे की मदर ज्यादा कंप्लेन करती है यू करती है कि बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन खेलता रहता नहीं है ठीक है ना ये इतना एक्टिव नहीं है कभी वो ये कंप्लेन भी करती है कि इसके बाथरूम में मुझे कीड़े भी नजर आए तो दिस इज वेरी टिपिकल एक पिक्चर होती है ठीक है अच्छा क्या है एक आप मुझे हाईलाइट करके द डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन ऑफ हेवी इन्फेक्शन ऑफ राउंड वर्म इज अबाउट 50,000 एग्स पर ग्राम ऑफ इन्फेक्शन ये एक क्या होता है कि जब हम उसको स्टूल करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं स्टूल डीआर करते हैं उसमें वर्म्स के जो एग्स आ जाते हैं ठीक है तो एग्स जो हम देखते हैं अगर उनको काउंट किया जाए एक तरीका है उसमें फिर भी करते हैं ये हेवी वर्म इन्फेक्शन है ये एक सब डिस्कस द सिम्टम्स ठीक है अब अच्छा ये मैंने कहा कि वो टिपिकल जो है प्रेजेंटेशन बच्चे की लेकिन कभी कभी बच्चे में ये चीज हल्का सा बुखार खांसी फिर बलगम भी थोड़ा बहुत इस तरह है बच्चों में स्किन के मसले तो जब आप ब्लड सी भी कराएंगे तो उसमें हमें इजोफिलिया मिलती है सो द एडल्ट राउंड वर्म्स एग्रीगेट मासेस कैन कॉज बल्बुलस अच्छा ये जो राउंड वर्म्स हैं जो है वो क्या करते हैं ये स्क्रेसिस और जो है ये इतना बढ़ जाते हैं कि ये खास तक इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन बच्चों में ये दिखा गया है ठीक है और एंडोसब्सेप्शन ये कुछ इस तरह की ये कंडीशंस करती है ठीक है सो अब आ जाए हुक वर्म इन्फेक्शन हुक वर्म इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज एनी इन्फेक्शन caused by the ankylostoma digitally and the nectar anthracnose ठीक है तो ये दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं वन इज एंकाइलोस्टोमा डिजिटली एंड द नेक्टर एंब्रिकंस दे मे अकर एज अ सिंगल और मिक्स्ड इंफेक्शन इन द सेम पर्सन ठीक है प्रॉब्लम स्टेम स्टेट में क्या है अच्छा ये जो एक्सपीरियंसेस रिलीज पर थे और हुक वर्म इसको हम कहते हैं तो ये सॉरी राउंड वर्म ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये यूजुअली स्टूल में पास नहीं थे ठीक है और ये छोटे छोटे इनकी साइज बहुत छोटी है और ये स्कूल में हमें अक्सर कॉमन में देखने भी आते हैं ओके होपफुली इट इज नॉट इन कॉमन एज इन जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ ये कॉमन ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है still ankylostoma digitally and the nectar anthracnose are the main nematocyte causing hookworm infection in the man. almost eradicated from Europe and the USA ठीक है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज से इन्होंने
different methods से इसको वहाँ से eradicate किया है. एक तो हमें ये तो अमेरिका के वहाँ से, लेकिन ये वहाँ पे अब मौजूद नहीं है. ठीक है, different hygienic measures, different के तरीके कार्य की जैसे अब वहाँ पे ये infection नहीं है. Hookworm infection is still seen in the warm, moist climate in the tropical and subtropical regions between 45 north and 30 जो equator है, जिसमें एशिया अफ्रीका की कंट्री हुआ, आगे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ पैसिफिक. ठीक है, स्टिल इट इज वेरी मच कॉमन. इसके इडियोमेटिकल डिटरमिनेंट्स क्या है, इसमें एजेंट जो है एडर फॉर्म्स लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगेन मैंने कहा कि इसे वो भी इंटेस्टाइन में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेनली जेजुना. ओके, एंड वेयर दे अटैच देमसेल्फ टू द विलाय. ठीक है, मेल मेयर 8-11 एम. ठीक है, ये तो छोटे से है, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर में है. ठीक है, 8-11 मिलीमीटर. एंड फीमेल 10-30, फीमेल थोड़ी सी बड़ी, लेकिन बिल्कुल ये नजर आएंगे जो नेकेड आए से, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर भी हो सकते हैं. लेकिन हम मदर को जब कहते हैं कि आप इसके स्टूल में देखें, एक वो नजर नहीं आया छोटे छोटे. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम शी सेड यस सर, में मुझे छोटे छोटे कीड़े नजर आ गए थे. ठीक है, कभी कभी अननोटिस होते हैं ड्यू टू इनकी साइज की वजह से. ठीक है, सो जी कर्व्ड होते हैं, सो यू कैन इनको आप गूगल करके इनकी पिक्चर्स यहां उसमें देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी साइज वगैरह कितनी है. Eggs are passed in the feces again in thousands. ठीक है, इनके जो है ये खुद एडल्ट, I mean जो ये इनके eggs, ये बहुत ज्यादा मिकदार में इसमें स्टूल में खारिज होते हैं. One female जो कितना करती है, 10,000 to 30,000 eggs per day. पर डे के हिसाब से देखें आप कितनी इनका ये है, तो एक एज जो प्रोडक्शन का कितना रेट है कि ये एक फीमेल 10,000 से 30,000 तक, ये बहुत ज्यादा एक अमाउंट है. और ये आगे कितनों लोगों में ये ट्रांसमिट हो सकता है, यू कैन इमेजिन. हाई एग प्रोडक्शन एंड कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, तो ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो सकते हैं. ठीक है, और क्या, when deposited on the warm moist soil is larva rapidly develop into the egg and hatches after 1 to 2 days. ठीक है, तो ये जो लार्वा है, एक जो है when होगा तो लार्वा अगेन कन्वर्ट इनटू द एग एंड हैचेस आफ्टर 1 to 2 days. द न्यूली हैच लार्वा, नहीं एक से लार्वा बनता है. ओके, द डिपॉजिटेड ऑन वार्म मॉइस्ट, लार्वा रैपिडली डेवलप फ्रॉम द एग and hatches after 1 to 2 days. The newly hatched larva, ठीक है, जिसको हम RBT form larva कहते हैं, molt twice in the soil and become a skin penetrating third stage infective larva within 5 to 8 days. ठीक है, these lie in the wait in the soil and prepare the skin of the human. ठीक है, आपने ये skin से जाते हैं, they go, these larva go into the human body through the skin. They move very little horizontally but migrate up to on the blades of the grass, migrate upward on the blades of the grass. They can survive in the shaded moist soil for up to 1 month. ठीक है, तो ये जिस किसी पे ट्रेड करके इनका सफर ऊपर होता है. Infection occurs when the larva enters the body through the skin. Skin से ये दाखिल होता है, most commonly through the feet. ठीक है, feet के through the larva of Ankylostoma duodenale are also infective from the mouth by mouth. खाने से भी जाता है और the skin. Once inside the body, they migrate via the lymphatics. ठीक है, इसका route of the transmission. They go into the lymphatics and the blood system. तो lymphatics जो है हमारा जो skin है, उसके उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, दे गो फ्रॉम द स्किन इनटू द लिम्फेटिक्स. ओके, एंड देन फ्रॉम द लिम्फेटिक्स यू नो द मेन लिम्फेटिक टैब गो इन द ब्लड. ठीक है, एंड ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स. ओके, दे ब्रेक इनटू द एल्वियोलाई. ठीक है, अब यहाँ से ये गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम में गए टू द लंग्स. जब ब्लड में गए तो लाजमी है कि लंग्स में भी जाएंगे. They break into the alveoli, ascend the bronchi and trachea, and cough up and swallow to the reach the intestinal. Okay, so ये देखें
स्किन से लिम्फेटिक्स में गए, लिम्फेटिक्स से ब्लड में गए, ब्लड से फिर दे गो इनटू द लंग्स, क्योंकि ब्लड में गए तो लाजमी ये ब्लड जो है लंग्स में जाएगा, जब लंग्स में जाएगा तो वहाँ एल्वियोलाई में जो है ये डेवलप एल्वियोलाई से होके दे गो इनटू द ट्रेकिया। अब वो नहीं कहूँगा कि भाई ब्रोंका ऐसा मेन ब्रोंका से फिर वो ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया में चला गया फिर ऊपर को आता है गले की तरफ जहाँ पे जब फांसी होती है थोड़ी बहुत, या ऑटोमेटिकली जो थोड़ी बहुत हम करते रहते हैं तो ये थूक निकलते रहते हैं तो दे गो इन टू द इंटेस्टाइन, स्टमक में जाएगा, स्टमक से ठीक है। अब जी जब वेयर दे बिकम सेक्चुअली मैच्योर, मैच्योर अब ये वहां पे मैच्योर हो जाएंगे। Adult ankylostoma duodenale and nectar american are believed to be capable of surviving for an average of about 1 to 4 years okay in the intestine. Ab ye reservoir main is the important reservoir of the human worm infection. Infective material kaun sa hota hai, no feces containing the ova of the worms. However, the immediate source of infection is the soil contaminated with infective larvae. ये रेड ऑफ इन्फेक्टिविटी एज लॉन्ग एज द पर्सन के अंदर जितने देर तक पैरासाइट होंगे वो इन्फेक्टिव रहेगा। होस्ट फैक्टर क्या है, एज एंड सेक्स, ओके, न्यूट्रिशन एंड द होस्ट क्रस्ट बैलेंस। एज एंड सेक्स, ऑल एजेस आर एंड बोथ सेक्सेस आर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि कोई उसमें वो नहीं है। इसमें खासतौर पर उसमें ज्यादातर बच्चे थे स्क्रेसिस में, इसमें जो है हर एज ग्रुप जो है equally infected होता है। जो endemic areas हैं, especially the highest incidence is found in the age group 15 to 25, ये देखिए वो बच्चों में ज्यादा, ये थोड़ा सा adolescent और जो है young age मतलब 15 से 15 years तक। So believe can you imagine कि this is maybe common in your age group? If any, तो please don't के इसको इस तरह लें कि ये यंग एज में भी हो सकता है। तो इसके लिए ये है कि एनी बॉडी डेवलप सम सिम्टम्स ऑफ द वीकनेस, एनीमिया, स्टूल में वर्म्स, ठीक है ना, और ब्लॉटिंग, और शी आर ही मस्ट गो फॉर द स्टूल डीआर फॉर द वर्म्स। इसको अगर देखा कि पेट में कीड़े की शक हो रहा है तो या उनको अगर विजिबल नजर आते हैं तो वो कैन डायरेक्टली टेक द मेडिसन थ्रू आफ्टर किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद वो ले सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो शी और ही गो फॉर द स्टूल डीआर, तो स्टूल डीआर में वो पता चल जाएगा कि किसी अच्छी लेब से स्टूल डीआर कराने से ये पता चल जाएगा कि इसमें वर्म्स के एक से हैं या नहीं। अगर ऐसे हैं तो ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, वो भी मैं आखिरी स्लाइड वो आपको दिखाऊंगा। सो न्यूट्रिशन क्या है, इसमें न्यूट्रिशन का बड़ा रोल है। जिस बंदे में न्यूट्रिशन अच्छी है इसकी, तो ये इसको कुछ नहीं करते, ये वहाँ पे उसकी अगर आयरन इंटेक सही है तो दे कैन नॉट डू एनी हार्म टू दैट पर्सन। अच्छा, इसमें फिर होस्ट पैरासाइट बैलेंस भी डेवलप हो जाता है कि जहाँ हमारे यहाँ जैसे बहुत ज्यादा कॉमन है तो इसमें फिर ये वर्म्स अगर आ भी गए और उनका थोड़ा सा लोड बढ़ भी गया तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना टाइम पीरियड गुजार के चले भी जाएंगे तो भी सिम्टम्स डेवलप नहीं हो। सो इन सम एरियाज द इन्फेक्शन रेट मे बी 100% बट द मोस्ट इन्फेक्शन आर हायर लाइट एंड ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर हैविली इन्फेक्टेड। ठीक है, इसमें फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर हर किसी को लग रहा है तो फिर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी का बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, सो इसको आप लिटिल यू कैन थिंक हर्ड इम्यूनिटी का बड़ा रोल इसमें। ऑक्यूपेशन, इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट बुकवर्म इन्फेक्शन विल हैव ए हायर प्रीवेलेंस इन द एग्रीकल्चर देन इन द टाउन वर्कर्स। ठीक है, सो एग्रीकल्चर वर्कर्स में ज्यादा दे हैव टू डील विद द सॉइल। सो देखें अभी आ रहा है, बुकवर्म्स लार्वा लिव इन द अपर हाफ इंच 1.2 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। ठीक है, वो ऊपर ऊपर रहते हैं, सो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। सो उसमें क्या क्या हो सकता है, सॉइल कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। द टाइप ऑफ द सॉइल दैट फेवर द सर्वाइवल ऑफ द बुकवर्म इज द डैम्प सैंडी एंड द ड्राई सॉइल। मतलब ये एक ज्यादातर जो
रेत वाली मट्टी थी और नरम मट्टी थी, ठीक है, विथ डेकिंग वेजिटेशन वहाँ पे सूखे पौधे सौधे भी होने चाहिए, ठीक है। इन जनरल सैंडी सॉइल इज द मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये 24-30 डिग्री हो, ये एक्चुअली दिस इज गुड फॉर, हमारे यहाँ 40 से जब रहता है तो दे आर डिस्ट्रॉयड, सो ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ हमारा लार्वा आर किल्ड इन 45-50 डिग्री, ये जो गर्मियाँ आती हैं ये किल करती है, ठीक है। ऑक्सीजन ओके, दे रिक्वायर फॉर ऑक्सीजन, मॉइस्चर इन्वायरमेंट चाहिए, रेनफॉल का बड़ा रोल है, जहाँ रेन ज्यादा होगी तो ये ज्यादा डेवलप होंगे, शेड में ज्यादा होते हैं, छांव वाली मिट्टी में ज्यादा होते हैं। ह्यूमन हैबिट्स का अगेन मैंने कहा कि बड़ा रोल है, जैसे कि भाई क्या जो मतलब अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं या जो भी है मतलब कर रहे हैं, हमारे जो सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रख रहे, उसमें ये चीज ज्यादा होगी। सो ये अगेन ये देखिए इनडिस्क्रिमिनेशन कहाँ है, जहाँ पे आ रहा है वॉशरूम कर रहे हैं, कोई खास वो नहीं है, वॉशरूम नहीं बने हुए हैं, नंगे पाँव जगह जाना और हाथ वगैरह नहीं धोना, और जो है सीवरेज का पानी का अलग ना होना, मिक्स होना पानी दूसरे से, तो दिस ओवरऑल द कंडीशन है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कैन भी, इसमें इलिट्रेसी का बड़ा रोल है, इग्नोरेंस है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बड़ा रोल है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसको छोड़ दें या लेना, इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज क्या हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी ना, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द दिस डिजीज। तो ये जो अगर ज्यादा देर तक इलाज नहीं किया जाए तो उसके लिए रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ हो जाता है, जो जो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है मदर्स में, जो जो होते हैं क्या कहते हैं प्रेग्नेंट, उसमें लो बर्थ वेट, एबॉर्शन, स्टिलबर्थ तक जो होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड द सबसे पहले यू नो के प्राइमरी सबसे पहले के वॉशरूम वगैरह को क्या डिस्पोजल से डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट या डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्स्ट्रा स्पेशली टू रिप्रीवेंट द रिड्यूस ऑफ फीकल, इसके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज हर जगह, वॉशरूम ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, अगर जो अगर वॉशरूम बने होता उसका डिस्पोजेबल ऑफ द उसका जो होना चाहिए सीवरेज का वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड सैनिटरी लेट्रीन करते हैं, पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप उनको आप सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, उनको हैंड वॉशिंग स्पेशली, और जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं दे हैव टू मतलब वर्क प्रॉपर कंडीशन, जो ऑक्यूपेशनल मेयर्स हैं वो लेना है, मतलब बेयर फुट नहीं जाना, अगर बेयर फुटेड या हैंड ग्लोव फुट वेयर ओके तो ये सारी चीजें उनको पहननी है, ठीक है। So this is actually the prevention measures which can be adopted by any society. Okay. Secondary prevention हम करते हैं treatment infection होने के बाद. Okay. Effective drugs are effective for the treatment of the human reservoir. These are the reservoir मतलब उनको actually the humans को लेना है, मतलब जो जिसमें infection positive होता है उसमें symptom हो या ना हो उनमें हम ये चीजें रहते हैं क्या प्राजीन में बिंदा जोर ने लेवामी सोल पैरेंटल पॉइंट, ठीक है। इनका डोज आई थिंक रिटन इन योर बुक रेफर द केप ऑफ फॉर दैट मतलब टॉपिक, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सिंगल डोज होता है अल्बेंडा जोर का, द यूजुअल डोज ऑफ द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 2 इयर्स इज 400 मिलीग्राम सिंगल डोज, बस यू कैन रिमेंबर द मेडिसिन ओके। एंड मेबिंडाजोल होता है, लिवामिसोल एंड पारमेंटोल, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स ओके। एंड लास्ट स्मॉल टॉपिक इज द ड्रिंकिंग टुलसी, दिस इज आल्सो अ वर्म इन्फेस्टेशन, इसको हम कहते हैं ड्रग आर द गिनी वर्म डिजीज, इज अ वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज मेनली ऑफ द सबक्यूटेनस टिश्यू यूजुअली और लेग एंड फुट, ये सबक्यूटेनस टिश्यू में अल्सर्स कराता है और वहां पे ये एक्चुअली कॉज द डिजीज ओके। अच्छा ये ड्रंक कैलोसिस इज नॉट इज अ डिजीज, वो जो वर्म है उसको हम क्या कहते हैं गिनी वर्म या गिनी वर्म डिजीज, ये एक्चुअली गिनी वर्म डिजीज है
लेकिन मुझे ट्रांक्यानुलस मेडिनेंसिस ओके ऑल्दो नॉट लीथल दिस पैरासाइट डिजीज कैन डिसेबल इट्स विक्टिम टेंपरेरी ओके सो एजेंट क्या है द एडल्ट पैरासाइट इनहिबिट द सर्कुलर टिश्यू मेनली ऑफ द लेग्स but also of the other parts of the body, including the head and the neck. The female goes to a length of, this is the length of the female, okay. And the male is rather short. Okay. The gravid female makes its way down to the infected person's lower limbs near the skin surface. That is penetrated into the dermis and induce the inflammatory reaction and subsequent blister formation. Upon contact with the water, the blister soon rupture and parasite release up into the 1 million microscopic free swimming larva into the water. So, yeah, actually, this is the condition, I think. This is actually, ye is tarah ke bumps hote hain. Subcutaneous tissue mein rehte hain. So, is tarah ki condition, ye ab yahan pe nahi hai. Pakistan mein ye condition nahi hai. This is actually common in the African countries. So, I am coming back. So, kaise hota hai ye? इसका साइकिल आप इसको गौर से प्लीज मैग्नीफाई द स्लाइड एंड सी व्हेन यू आप इसको देखें ये देखें ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है कोई बंदा है ठीक है जिसका इसने पांव जब धोए थे वहां इसने क्या किया कि ये डिफरेंट एग्स ऑफ द पॉम्स इसमें ये हो गए ठीक है एंड दिस This eggs, these eggs, chote chote jo worms ke jo hai, chote chote worms, this is taken up by the, this flea. This is the water flea karte hai isko, okay. This is taken by this flea. Ab dusra jo, kyunki inke paas source ka water nahi hota, ye log, especially in the African countries, jahan pe scarcity of the water, pani ki bahut kami hai, तो ये लोग वहाँ पे पानी जैसे हमें हमारे किसी जमाने में थर में ये प्रैक्टिस होती थी लेकिन अब काफी डेवलपमेंट हो गई और हुकूमत ने काम किया तो इस वजह से अब ये कि वहाँ पे इस तरह नहीं होता पीने का पानी और ये वॉशरूम या जो धोने का पानी नहाने का पानी अलग है लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है जिस जगह पे हाथ मुंह पैर धो जाते हैं वहाँ पे पानी भी पिया जाता है जिसकी वजह से ये फिली जो छोटी सी है ये टेकन बाय दिस पर्सन ओके नंबर टू से नंबर थ्री ये फिली उसने ले ली ये फिली बेड में चली गई ओके फिली हैज यहाँ पे ये फिली तो लार्वा उसके अंदर चला गया ओके इसका इसका लार्वा जब लार्वा यहाँ से जाएगा तो लार्वा यहाँ से स्किन से स्किन जो सॉरी स्टमक है इसे पेनिट्रेट करके ये स्किन में चला जाएगा ठीक है अब ये स्किन के अंदर ये डाउनवर्ड ट्रेवल कर ये यहाँ से लंबा भी होता जाएगा इसकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी इसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी एंड दे गो डाउनवर्ड इसका ये माइग्रेशन होती है फ्रॉम अगेन दे गो इनटू एंड दे अगेन मेक द द द स्मॉल लार्वा एंड दिस अगेन टेकन बाय द समबडी एल्स सो दिस इज द लाइफ साइकिल कंटिन्यूस ओके सो दिस इज द लाइफ सो रिजर्वर इन्फेक्शन कोई इन्फेक्टेड पर्सन पर नहीं जिसको होगा वो रिजर्वायर कहलाएगा किसको होगा वही होगा जो भी जिसमें पानी पिया यहाँ से इसका सिटी या वाटर और द हैबिट ऑफ वॉशिंग एंड बाथिंग इन सरफेस वाटर जो होता है यहाँ पॉन्ड से जो लोग पीते हैं वो ये होस्ट के फैक्टर्स हैं होंगे और इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आप यू कैन रीड योर डिटेल मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये पूरा मैंने साइकिल आपको बताया है डिजीज ट्रांसपोर्टेड एंटायरली थ्रू द कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेन द साइक्लोप्स अच्छा जैसे साइक्लोप्स जो है वो वाटर फिली इसका नाम साइक्लोप्स है साइक्लोप्स हार्बिंग द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट विनी वर्म डिजीज इज ए टोटली वाटर बेस्ड डिजीज ओके एंड डज नॉट हैव एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट अच्छा no drug cure the infection become thoda sa metronidazole and mebendazole ko respond kar diye lekin iska prevention ye there should be hygienic water and their separate supply of the washing the water for washing purpose and for the drinking purpose in dono ko mix nahi hona chahiye theek hai acha ये जो अगर वर्म्स किसी में विजिबली नजर आ रहा है पैर पैर की साइड पे लोअर लेग की साइड पे तो उसको आसान से निकाला जाता है जैसे एक स्टिक लेके उसको सब्सिक्वेंटली रोलिंग देम ओवर ए स्मॉल स्टिक
when available simple surgical या कोई surgical simple procedure करके इसको remove किया जाता है जैसे this one ये stick से इसको daily के हिसाब से थोड़ा roll किया जाता है okay और उसको यहाँ तो आस्ता-आस्ता इनको surgery के through निकाला जाता है so actually there again how to eradicate drawing of the safe drinking water okay the installation of the hand pumps ये surface water के through होता है control of the cyclopes अगर वो पानी में अगर कुछ इस तरह की chlorine वगैरह डाल देंगे और कुछ इस तरह का insecticide तो वो वहाँ से to safe to drink तो वहाँ cyclopes जो water से लिए वो खत्म हो जाएंगे health education of the public okay health education भी आप पानी को उबाल के पिए पहले तो छान के लें फिर उस पानी को उबालें and उसके बाद में उसको आप ठंडा करके पी सकते हैं okay और अगर surveillance का एक तो सर्वे अगर इसको देखा जाए examine किया जाए अगर किसी बंदे को ये problem है तो उसको treat किया जाए तो उसको ये किया जाता है आप पानी में ना जाएं so this is the end of the actually class and if you have any question you can message me in the chat and I am here up to only for 5 minutes Allah Satyam छोड़ चाहिए तो मेरा चांस बढ़ गया सवाल बताओ ठीक चेट आएगा ना वो मैसेज आए मैसेज हो बता सिस्टम ही बंद कर देना बताएं अच्छा नक्सल की वॉइस वॉइस है वो तो वो है हाँ बल्कि पूछी सको था कोई क्वेश्चन नहीं आया अच्छा वो अनमित वाल आने चलो एक्चुअली वॉइस मैसेज चेट इस बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय वॉइस चेट अच्छा हाँ बस यार उनमें करें सकेंगे अच्छा अगर इंपॉर्टेंट हो तो उनमें करें सकेंगे